गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। गजा में बमबारी बंद होना जरूरी है। पाकिस्तान तनाजे का दो रियासती हल चाहता है। गजा में जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। इंसानी हकूक की पामाली पर दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटना है, इसीलिए गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने का फैसला किया। डॉक्टर फौजिया सदीकी की अमरीकी जेल में अपनी बहन आफिया सदीकी से मुलाकात। मुलाकात के दौरान दरमियान में शीशा हाल था। फौजिया सदीकी का कहना है कि आफिया सदीकी की हालत पहले से ज्यादा खराब है, उनकी हालत बयान नहीं कर सकती, मुलाकात ने दुखी कर दिया। हम दोनों बहनें मुलाकात के दौरान आधा घंटा रोती रहीं। वकील क्लाइव एस्टेफोर्ड स्मिथ का कहना है कि बहन से मुलाकात में आफिया सदीकी मुसलसल रोती रहीं। दोनों बहनों को एक दूसरे को छूने की इजाज़त नहीं थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग तेज। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन के साबिक इत्तेहादी जमात पर ताबड़तोड़ हमले। बोले कि मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं अमली काम से तरक्की करता है। आप इतनी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बने, बताएं मुल्क के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि नून लीग वाले लाडले नहीं बन सकते, इसीलिए बेसाखियों की तलाश में है। हमारी नंबर गेम ज्यादा हुई और इत्तेहाद की जरूरत पड़ी तो नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। नून लीग ही एतराफ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। नून लीग का 18वीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब उसे खत्म करना है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि यह तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। बिलावल भुट्टो और दीगर पीपी लीडर्स के बयान पर नून लीग का जवाबी वार। राना सनाउल्ला का कहना है कि पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कह दे, लोगों को हकीकत मालूम है, मुझे इनके साथ झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। एक शख्स ने कुर्सी से उतरते ही जलाओ घेराव का ऐलान कर दिया। तमाम सियासी जमातों ने उस शख्स को वोट से चलता किया। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को कहता हूँ मेहनत कर, हसद न कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी नहीं है, नून लीग के पास कारकर्दगी है। हमने पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद किया, लेकिन अब मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करके हुकूमत बनाने से बेहतर है हुकूमत बनाई ही न जाए। पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग हुकूमत बनाएगी। केपी में हुकूमत मखलूत बनेगी। सिंध में मुकाबला टक्कर का होगा। बिलावल मम्मी डैडी वजीर खारजा थे इसलिए कामयाबी नहीं मिली। हम लाडले नहीं, बस इंसाफ देर से मिला है। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सरगर्मियां तेज। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हवाले से मुशावरत। इजलास में ख्वाजा साद रफी, कयास सादिक, अता तारड़, रावलपिंडी डिवीजन के रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा, जो कायद कहेंगे वही करूंगा, जहाँ से टिकट मिला वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद है। इलेक्शन के हवाले से कयास आराइयां खत्म होनी चाहिए। एहसन इकबाल झूठ बोल रहे हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज खुलकर सामने आ गए। जेएनएन के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, महंगाई के जिम्मेदार एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब हैं। महंगाई पीटीआई की वजह से है तो एहसन इकबाल सबूत दें। मरियम औरंगजेब फजूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही लेकिन महंगाई पर कोई बयानिया नहीं बनाया। 3 साल मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हर जगह पार्टी को डिफेंड किया। मैंने सारी लड़ाई अपनी पार्टी के लिए लड़ी, किसी के लिए टिकट नहीं मांगा। दानियाल अजीज को इलाकाई सियासी मामला टीवी पर नहीं लाना चाहिए था। इख्तलाफ राय हो जाना मामूल की बात है, पार्टी में होने वाले इख्तलाफ राय को अवाम में लाना मुनासिब नहीं। ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि किसी को इख्तलाफ है तो जमात में बात करे, बाहर नहीं। उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। हलका बंदियों पर तहफ्फुज़ात। एमक्यूएम पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज मुलाकात के लिए वक्त तश्कील। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया जाएगा। हलका बंदियों की रिपोर्ट पर अपने मुतालबात रखेंगे। एमक्यूएम की जानिब से सिंध के इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा भी मुतवक्के। एतराजात पर सुनवाई न होने और इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहरीरी शिकायत भी जमा करवाई जाएंगी।
इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। कौम 8 फरवरी को यौम हिसाब बना दे, इस जालिम को शिकस्त देना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर अवाम से धोखा हुआ, 10 साल अवाम के लिए डराना ख्वाब रहे। पहले PTI 16 माह के लिए मखलूत हुकूमत रही, अब निगरान हुकूमत है। हर रोज बदमनी और मायूसी में इजाफा हो रहा है, हमें हर बार चेहरे नहीं निजाम बदलना है। आइंदा इलेक्शन सूदी निजाम से निजात और कश्मीर की आजादी का होगा, इलेक्शन जुल्मो जबर से निजात का होगा। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी ही दे सकती है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है हर सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत इंतखाबात करवाने में इलेक्शन कमीशन की मावनत करेगी, निगरान हुकूमत शिफाफ इंतखाबात के लिए तैयार है, हर सियासी जमात को अपनी बात करने का हक है। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे, तमाम सियासी जमातें अपनी सरगर्मियां कर रही हैं। चिलास में बस पर फायरिंग से जांबहक 8 अफराद सपुर्द खाक, नमाज जनाजा में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान, फोर्स कमांडर काशिफ खलील, वज़ीर दाखिला शमसलून और अहले इलाका की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुजदिली का सबूत है, हम सबूताज नहीं करने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला शमसलून ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया, कहा दहशतगर्दी के वाक़े में भारत के हाथ को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। शहबाज शरीफ कहते हैं ये बस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला है, एक मुनज़्ज़म साजिश से बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब का रात गए लिबर्टी और न्यू अस्पताल में पुलिस खिदमत मराकज़ का अचानक दौरा, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश, मोहसिन नकवी के शहरियों से सवालात, लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। न्यू अस्पताल के मरकज में शिकायत, वज़ीर आला ने अमले की तादाद बढ़ाने, सिस्टम में बेहतरी के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से राब्ते की हिदायत। कराची के इलाके सईद आबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, जख्मी होने वालों में दुल्हा का वालिद भी शामिल, पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। नेशनल T20 कप के टाकरे एबटाबाद, रावलपिंडी, पिशावर ने अपने अपने मैचेस जीत लिए, फाटा, सियालकोट और लाहौर को शिकस्त। साबिक कप्तान शुएब मलिक T20 क्रिकेट में 1000 चौके और 400 छक्के लगाने का संगे अमीर अबूर करके पहले पाकिस्तानी बन गए। सियालकोट की नुमाइंदगी करते हुए रावलपिंडी के खिलाफ 6 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 84 रन बनाए। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का रंगारंग इख्तिताम, फनकारों का क्लासिकल रक्स, 4 रोजा कॉन्फ्रेंस की आखिरी रोज 6 किताबों की रुनुमाई की गई। बुशरा अंसारी का नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर तहजीब हाफी से मुकालमा, अनवर मकसूद की भारतीय अदीब शायर गुलजार के साथ नशस्त रखी गई।